वेगवेगळ्या मळाचेर गोयकारा खातीर सतावपी विषय सुटावे करपाक आम आदमी पक्षान 13 मुख्य मुद्दे गोयकारा खातीर घेवन येल्यात. गोयभर लोकां कडेन चर्चा करून आम आदमी पार्टीन हे मुद्दे मांडल्यात. दिल्लीचो मुख्यमंत्री आनी आपाचो राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद केजरीवालान सांगले. वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोंय भोंवडेर आसा. काल तो गोवा पावला आनी आपाच्या उमेदवारा बरोबर ताणें प्रचार केलो. आयज मडगांव तो मिडिया मुखार येवन आम आदमी पार्टीन दिल्ल्या आश्वासनाचेर ताणें उलोवप केलें. भाजप सद्या काँग्रेस जावन रावल्यात. भाजप आनी काँग्रेस एक फॅमिली. काँग्रेसीन आनी भाजपान गोंयची वाट लावन उडयल्या. आप एक नवी आस्त म्हणून गोंयकारां मुखार आयला, केजरीवाल म्हणटा. आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारा गोवा को लेके क्या विजन है? तो 13 पॉइंट एजेंडा मैं आज गोवा के लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसे हमने पिछले 1.5 साल में बहुत गोवा के लोगों के साथ बातचीत करके, गोवा के लोगों के साथ सेवरल राउंड्स ऑफ डायलॉग्स करके ये पूरा एजेंडा तैयार किया है. सबको मालूम है कि नौकरियां कम है, लेकिन वो कम नौकरियां गलत तरीके से रिश्वत लेके या सिफारिश के जरिए गलत लोगों को दी जा रही है. देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. हमारी सरकार बनेगी तो हम उनमें का सब बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन है. जब तक आप रिश्वत नहीं देते तब तक नौकरी नहीं मिलती. और या आपको सीएम की कंस्टिट्यूएंसी का होना पड़ेगा, उसका वोटर होना पड़ेगा, फलाने की कंस्टिट्यूएंसी. जस्ट अ फ्यू कंस्टिट्यूएंसीज विच आर कुछ कंस्टिट्यूएंसीज है जहाँ सारी नौकरियां जा रही हैं. ऐसा क्यों है? दिल्ली में हमने ईमानदार सरकार चला के दिखाई है और वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया हमको. ये सबसे ईमानदार पार्टी है ये देश की. मोदी जी ने मेरे ऊपर रेड कराई, मोदी जी ने मनीष सिसोदिया पे रेड कराई, सीबीआई की रेड कराई, पुलिस की रेड कराई, हमारे 21 MLA को गिरफ्तार किया, सारी रेड कराई उन्होंने. उनको हमारी 400 फाइलें एग्जामिन करने के लिए मोदी जी ने कमीशन बिठाया, एक भी गलती नहीं मिली. बच्चों को रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे. जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा. हमारी नीयत साफ है, साफ नीयत वाली सरकार होगी. सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम लोग माइनिंग शुरू करेंगे. जितने लोग हैं जिनको कई कई डिकेड से उनको अपने लैंड राइट्स नहीं मिले, उनको हम 6 महीने के अंदर लैंड राइट्स दिलवाएंगे. तो वो स्कूल ठीक करेंगे, सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, एजुकेशन का पूरा सिस्टम ठीक करेंगे, ताकि लोगों को फ्री में अच्छी से अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिल सके. जैसे दिल्ली में करके दिखाया, जैसे दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक्स खोले. हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हर वार्ड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और भी कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाएंगे. उन सारी चीजों को छोड़िए, बेसिकली मैं लोगों को एक हेल्थ गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार होगा, दिल्ली में अगर कोई भी बीमार होता है तो क्रोसिन से लेके छोटी से छोटी दवाई, अगर फीवर भी है तो क्रोसिन से लेके और बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी वो फ्री में होता है. अगर किसी का 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए का भी ऑपरेशन होना है तो वो फ्री में होता है. उसका सारी दवाइयां फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, सारा इलाज फ्री है, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है और अच्छा इलाज होता है. सरकारी अस्पताल वाला इलाज नहीं होता, अच्छा प्राइवेट जैसा इलाज होता है दिल्ली के अंदर. वैसा ही दिल्ली में जैसे करके दिखाया, गोवा में भी आई एश्योर दैट सब लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी, फ्री में मिलेगी. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयाकार.